हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अर्जुनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 8। तो कल भी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करा था, लेकिन हुआ क्या, उसमें कोई एक और वॉइस आ रही थी, शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही थी बैकग्राउंड में, वो वीडियो आई थी। जब अपलोड करा तो वहाँ पे देखा कि इसमें डबल वॉइस आ रही है, तो रिकॉर्ड कर तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो आज फिर से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। तो गाइज, लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हम बात करने वाले हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर चैनल पे गाइज नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अभी भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सर, सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप थोड़ा आप हमारी एफर्ट्स को भी देखा करिए। सुबह उठ के यहाँ पर आपके लिए 7 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर की जो ई बुक आपको मिलने वाली है गाइस, दैट इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। तो ऑफिस थोड़ा लेट हो जाता हूँ इसलिए उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, रेडी है, बस थोड़ा सा उनको कंपाइल एक जगह पे करना है। तो गाइस, एक और बात आपको बता दूं कि हमारी ई बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अभी हमने साइंस की यहाँ पर लॉन्च की हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन की बुक लॉन्च करी हुई है, ठीक है। आप जाकर इन दोनों बुक्स को हमारी ऐप से डाउनलोड ऐप से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डायरेक्टली आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर उसका लिंक भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परचेज करने के बाद क्या करना है आपको, ये नंबर आपको देता हूं, उस पर क्या करना है, आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, तो आपको डायरेक्टली ई बुक मिल जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस, देखते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको 2 क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके, आप इनको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के लिए कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट फेमस माना जाता है। ऑप्शन है कराची सेशन, लाहौर सेशन, बॉम्बे सेशन एंड लखनऊ सेशन, ठीक है, ये आपको बताना है इनके आंसर। सेकंड क्वेश्चन है स्वराज टर्म किसने यहाँ पर कॉइन की थी, किसने इस टर्म को निकाला था, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने होंगे, ओके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। इंटरनेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कहाँ पर होती है, कैसे होती है, सारी चीजें देखेंगे। तो गाइस, होता क्या है, 1883 में ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसको ए ओ ह्यूम होता है, एलन एक्टोवियन ह्यूम, ठीक है, इन एक आइडिया यहाँ पर निकालते हैं, कहते हैं कि हमें एक ऐसी बॉडी को हमें एक ऐसी बॉडी यहाँ पर तैयार करनी है जो इंडियन के इंटरेस्ट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो और वो एक ओपन लेटर लिखते हैं ग्रेजुएट्स को जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ओपन लेटर निकालते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो ग्रेटर शेयर है हमारी गवर्नमेंट में वो किसके लिए होना चाहिए, एजुकेटेड इंडियंस के लिए होना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसके बीच में उन लोगों के बीच में और ब्रिटिश राज के बीच में क्या हो, इंपॉर्टेंट डायलॉग हो, ठीक है, जो भी कोई पोलिटिकली मसले हों वो यहाँ पर हल किए जाएं। इसलिए इंटरनेशनल कांग्रेस को वो एक आइडिया निकालते हैं, ठीक है, जहां से इंटरनेशनल कांग्रेस को यहाँ पर फाउंड किया जाता है। ह्यूम जो होते हैं सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग इसकी ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है, वहां पर अप्रूवल लेते हैं लॉर्ड डफरिन, उस वक्त यहाँ के वाइसराय होते हैं, एक उनके अप्रूवल लेके तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे करते हैं, बॉम्बे में इसकी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उमेश नहीं है बल्कि ये वोमेश है, WOMESH, वोमेश। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के, और जो फर्स्ट सेशन होता है उसको 72 डेलीगेट्स यहाँ पर अटेंड करते हैं, ठीक है, और हर एक जो इंडिया की प्रोविंस होती है तो वो इसको रिप्रेजेंट करने यहाँ पर पहुंच जाते हैं 72 डेलीगेट्स। तो 1890 में क्या होता है, कादंबिनी गंगोली, याद रखेगा, कादंबिनी गंगोली जो फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां पर है, कादंबिनी गंगोली जो है वो फर्स्ट ग्रेजुएट होती हैं कहां की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के होते हैं, वो यहां पर क्या करते हैं, कांग्रेस सेशन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ओके, जहां से कमिटमेंट ली जाती है कि हम जो क्या करेंगे, वुमेन्स की फ्रीडम के लिए यहां पर लड़ाई करेंगे और उनका जो स्टेटस है उनको हम
दिलवाकर रहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि रीजंस क्या क्या रहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कांग्रेस को क्रिएट करने के। तो गाइस सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे रहता है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी यहाँ पर आती है। सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है, इसको जो ह्यूम होते हैं एक ऐसा आइडिया मानते हैं, क्या मानते हैं, इस आइडिया के साथ कांग्रेस को अपनाते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दें, ठीक है, एक ऐसी चीज खड़ी कर दें जिससे हमें क्या मिलेगी, हमें सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम इस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कोई चीज बनाएंगे, ठीक है, जहां से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, हमें एक सेफ्टी वॉल की तरह हमारे लिए काम करेगी, तो जो यहाँ पर इंडियंस के बीच में जो डिसकंटेंट हमारे लिए, जो दुश्मनी हमारे लिए, जो नफरत यहाँ पर जाग रही है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी, हमारे लिए सेफ्टी बनेंगे। इसके एंड में क्या होता है, वो लॉर्ड डफरिन को कन्विंस कर देता है कि आप जो है कांग्रेस की फॉर्मेशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना, वहां पे कोई दखलंदाजी मत करना, ठीक है, उसको बनने देना, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं, जैसे कि हमारे लाला लाजपत राय होते हैं, वो सेफ्टी वॉल थ्योरी में यहाँ पर यकीन मानते हैं, जबकि मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो उनकी कंस्पिरेसी थ्योरी होती है, वो भी वाज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल, वो सेफ्टी वॉल का ही ऑफ स्प्रिंग होता है, यानी कि इससे ही निकला हुआ कंस्पिरेसी थ्योरी भी होती है। ठीक है, ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्यूट द आइडिया ऑफ सेफ्टी वॉल, वो सेफ्टी वॉल का आइडिया डिस्प्यूट यहाँ पे कर देते हैं। वो कहते हैं, उनका ये मानना होता है कि इंटरनेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगी। वो ये अर्ज करते हैं यहाँ पर जो है वो सिर्फ पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस को ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, टू सेट अप अ नेशनल बॉडी, एक नेशनल बॉडी को तैयार किया जाएगा जो यहाँ पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स हैं इंडियंस की, उनको यहाँ पर पूरा करेगी। ठीक है, स्टूडेंट विपिन चंद्र ऑब्जर्व करते हैं कि अर्ली कांग्रेस लीडर यूज्ड ह्यूम एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कि INC जो है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपके यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको आइडेंटिफाई में यहाँ पर फाउंड किया गया था, इसको यहाँ पर किसने यहाँ पर फाउंड किया था, फॉर्म किया था, तैयार किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको तैयार किया था, एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और जो बाकी इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो वो थे दादाभाई नारोजी एंड दिनशा वाजा। ओके, तो फर्स्ट सेशन जो है इंडियन कांग्रेस का वो हुआ था दिसंबर 1885 में, कहां पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कितने डेलीगेट्स ने इसको यहां पर किया, ज्वाइन किया था, 72 डेलीगेट्स ने इसको यहां पर क्या किया था, ज्वाइन किया था। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टी से बढ़कर एक असेंबली थी जहां पर पॉलिटिकली माइंडेड इंडिविजुअल थे जो यहां पर रिफॉर्म लाना चाहते थे। ठीक है, एक खालस पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी बल्कि एक असेंबली थी उन लोगों की जो यहाँ पर हमारे भारत में रिफॉर्म लाना चाहते थे। इनिशियली क्या हुआ कि कांग्रेस को इस इंटेंशन से यहाँ पर बनाया गया कि वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगी जो भी हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा झेली जाएंगी, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, रिलीजन के हों या लैंग्वेज के हों। तो ठीक है, उस इंटेंशन इसको बनाया गया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इट वॉज बेसिकली ए मूवमेंट ऑफ अपर क्लास एंड मिडिल क्लास वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस इन द मॉडरेट फेज। जब हमारा मॉडरेट फेज रहता है तो गाइज आपको आगे हम मॉडरेट फेज भी पढ़ाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट फेज भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपने बने रहना है हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपने। ठीक है, एक ऐसी मूवमेंट है अपर और मिडिल क्लास की होती है, वेस्टर्न जो वेस्ट में पड़े हुए भारतीय होते हैं इसके मॉडरेट फेज में। अब हम थोड़े से इसके रीजंस जानते हैं कि इसके रीजंस क्या रहते हैं, ठीक है, सॉरी रीजन है, ऑब्जेक्टिव जानते हैं हम, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो ये पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि ये पूरे भारत की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे पूरे भारत के लोगों को ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल, यहाँ पर लोग जो होते हैं पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो सब अवेयर होते हैं, ठीक है, किस तरह से हमने जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है उसको यहाँ से खत्म करना है, उसको यहाँ से भगाना है, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। ठीक है, एंटी कॉलोनियल, यानी कि जो यहाँ पर कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पर बनाई गई है, एक ऐसा आइडिया यहाँ पर प्रोपेगेट करना है, उसको डेवलप करना है, ऐसे आइडिया को, ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप करना है जहाँ से जो है एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट हम बन जाएं। ठीक है, और एक फ्रेंडली रिलेशन क्या है, जो यहाँ पर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को यहाँ पर तैयार करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये भी रखा गया कि देखिएगा कोई भी चीज़ अगर तैयार होती है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। ओके,
फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम है उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। जो डिमांड्स होंगी वो सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखी जाएंगी, ठीक है, ओके। तो नेशनलिज्म को सबसे सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे कि नेशनलिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। नेशनल यूनिटी की फीलिंग लोगों के बीच में लाई जाएगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी प्रोविंस का हो, उनके बीच में ना एक ऐसी फीलिंग को कंसोलिडेट किया जाएगा जिससे वो क्या हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट आपका, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, वो ये स्लाइड्स आगे आएंगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन इसका कहां पे हुआ, बॉम्बे में हुआ, 1885 में हुआ, जो कि आपको याद रखना है। वो मिशनर बनर्जी के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, और यहीं से होती है इसकी शुरुआत, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत यहीं से हो जाती है, ओके। सेकंड सेशन इसका कहां पे होता है, कलकत्ता में होता है, 1886 में इसका सेकंड सेशन होता है, जो कि आपको याद रखना है। इसकी गाइस पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं दादाभाई नौरोजी, याद रखना। थर्ड सेशन कहां पे होता है, मद्रास में होता है, 1887 में होता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। वही सेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ सेशन, कहाँ पर होता है, अलाहाबाद में होता है। 1885, 1886, 1887, 1888 का सेशन तो आपको याद रखना ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला बॉम्बे में होता है, उसके बाद ये तो रखना ही रखना है, दूसरा भी साथ में रख लेना याद, तीसरा तो रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ऐसा पूछ जाएगा कि जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है वो कौन सेशन में बनाए गए थे, उनका नाम क्या था, और सेशन कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। फोर्थ सेशन जो है यहाँ पर अलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था, ठीक है। 1888 में कहाँ पर हुआ था, अलाहाबाद में हुआ था। तो जॉर्ज यूल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड के प्रेसिडेंट होते हैं, अंग्रेज को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए फोर्थ सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अलाहाबाद में होता है। 1896 में सेशन होता है गाइस कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, रहमतुल्ला सयानी जी थे। अब यहाँ पर ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, मैं 88 से 1896 पे क्यों पहुंच गया आपके सेशन को लेके, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, ये सॉन्ग गाया था जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट सेशन हुआ हमारा 1899 में, कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। प्रेसिडेंट कौन थे, रमेश चंद्र दत्त। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिवेन्यू को परमानेंट फिक्स करने की डिमांड करी गई थी, इसलिए सेशन ये इंपॉर्टेंट हो गया था आपके लिए। 1901 का सेशन होता है गाइस आपका कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे, दिनशाह ई वाचा थे, ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है कांग्रेस को तैयार करने में। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले किसको देखने को मिला था, महात्मा गांधी जी को यहाँ पर देखने को मिला था। महात्मा गांधी जी ने अपना एक कदम रखा था कहाँ पे, कांग्रेस में, ठीक है। इसलिए 1901 का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 1905 का सेशन होता है यहाँ पर बनारस में, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया जाता है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया जाता है कि हम अपना ही पहनेंगे, हम स्वदेशी ही पहनेंगे, जो अपने देश में बना होगा हम उसी को पहनेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ ये स्वदेशी मूवमेंट को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। 1906 वाला सेशन इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहाँ पर सेशन होता है कलकत्ता में, दादाभाई नौरोजी इसके क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो सेशन नंबर सेकंड जो हुआ था उसमें भी दादाभाई नौरोजी थे, और जो सेशन हमारा यहाँ पे 1906 में हुआ था उसके भी दादाभाई नौरोजी थे। आप याद रख सकते हैं कि 1886 में और 1906 में 66 याद रखना, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर अडॉप्ट, यहाँ पे चार रेजोल्यूशन जो है वो क्या किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। एक था गाइस यहाँ पर स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा था बायकॉट मूवमेंट, तीसरा था स्वदेशी मूवमेंट, एंड चौथा था नेशनल एजुकेशन, ओके। इसलिए भी सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, जो आपके आपको याद रखना पड़ेगा। 1907 का सेशन होता है यहाँ पर सूरत में। प्रेसिडेंट इसके बनते हैं राज बिहारी घोष। इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और सेशन को बीच में ही छोड़ा जाता है, ठीक। सेशन होता है नेक्स्ट यहाँ पर 1910 में, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, अलाहाबाद में होता है। प्रेसिडेंट इसके कौन बनते हैं, सर विलियम वेडनबर्न बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को यहाँ पे डिक्लाइन कर देते हैं, जो 1909 का एक्ट जो है उससे लाया गया था, ठीक। 1911 में क्या होता है, कलकत्ता में होता है।
प्रेजेंट इसके बनते हैं बी एंड दर। तो यहां पर होता क्या है, फर्स्ट टाइम जनगण मना जो है उसको रिसाइड किया जाता है कांग्रेस सेशन में, इसलिए आपका 1911 का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। जनगण मना अधिनायक, ठीक है, ये क्या है, एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों कि ये क्या है जनगण मन, ठीक है, जिसको सुबह प्रेयर में आप रिसाइड भी करते हो, तो ये चीज है क्या, ये आप बताएंगे मुझे। तो फर्स्ट टाइम इसको कहां पर गाया गया था, कांग्रेस सेशन हुआ था 1911 में, कलकत्ता में हुआ था, प्रेजेंट उसके उस वक्त कौन थे, बी एन दर थे। ओके, अब 1915 का सेशन होता है बॉम्बई में, प्रेजेंट कौन थे, सर एस पी सिन्हा थे। यहां पर हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वॉज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशन, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट सेशन के लीडर थे, अब देखो 1907 में क्या हुआ था कि यहाँ पर ये बिछड़ गए थे, कांग्रेस से निकल गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, ठीक है, लेकिन इस सेशन में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट सेशन को भी यहाँ पर एडमिट किया जाता है कि वो भी यहाँ पर एज अ डेलीगेट आ जाते हैं। ओके, सेशन नेक्स्ट होता है यहाँ पर 1916 में, लखनऊ में होता है, प्रेजिडेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं ए सी मजूमदार। अब इस सेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, दो फैक्शंस की यूनिटी हो जाती है, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट यहाँ पर साइन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लखनऊ पैक्ट साइन होता है किस किस के बीच में, कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, एक पोलिटिकल कॉन्सेंसस यहाँ पर बनाने के लिए कि हम पोलिटिकली यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट यहाँ पर साइन करा जाता है किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। भी क्वेश्चन आपको पूछ जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, 1916 में यहाँ पर साइन हुआ था, उस वक्त जो अगर सेशन हुआ था कांग्रेस का तो सेशन कौन सा था, वो था 1916 का सेशन, लखनऊ पैक्ट जहां पर हुआ था, लखनऊ पैक्ट के बीच में हुआ क्या था, कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में क्या किया गया था, एक संधि यहां पर की गई थी, ठीक है, जिससे पॉलिटिकली वो यूनाइट हो जाएं, प्रेजिडेंट कौन थे, ए सी मजूमदार थे। ओके, नेक्स्ट सेशन है हमारे पास 1917 का सेशन, कलकत्ता में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, एनी बसंत थी। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी कांग्रेस की 1917 में, इसलिए ये सेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेशन में यहाँ पे फर्स्ट कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाई थी, वो भी औरत थी, वुमेन थी, तो 1917 में सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है गाइज आपके लिए कि यहाँ पर बताना कि एनी बेसेंट ने कौन सी मूवमेंट को यहाँ पर शुरू किया था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन सी थी वो। ओके, 1918 में स्पेशल सेशन होता है यहाँ पे बॉम्बे में, याद रखेगा स्पेशल सेशन कब होता है कांग्रेस का, वो होता है 1918 में, कहाँ पर होता है, बॉम्बे में होता है। प्रेजिडेंट कौन रखते हैं यहाँ, प्रेजिडेंट किसको रखा जाता है, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम को यहाँ पे प्रेजिडेंट रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस सेशन में होता है क्या है, जो भी यहाँ पे कॉन्टेंशियस स्कीम लाई जाती है, यहाँ पे मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म लाई जाती है, उसके बीच में यहाँ पे क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। 1919 में सेशन होता है गाइस हमारा, कौन सा, अमृतसर सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू जिसको क्या करते हैं, प्रिजाइड करते हैं। मोतीलाल नेहरू होते कौन है, फादर ऑफ द, किसके फादर होते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी के फादर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या है, कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, कांग्रेस जो है अपनी सपोर्ट यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के साथ, कांग्रेस जो है अपनी सपोर्ट करती है खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट क्या होती है कि हम उनकी खिलाफत करेंगे, किसकी खिलाफत करेंगे, अंग्रेजों की खिलाफत करेंगे। ओके, सेशन होता है उसके बाद 1920 में फिर से स्पेशल सेशन यहाँ पर रखा जाता है, कलकत्ता में यह होता है, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं इसके लाला लाजपत राय को, ठीक है। जब यहाँ पर जलियांवाला बाग हो जाता है ना अमृतसर में, उसके बाद ये सेशन यहाँ पर रखा जाता है स्पेशल सेशन 1920 में, ठीक। महात्मा गांधी यहां पर क्या करते हैं, वो एक नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन मूवमेंट यहां पर लेकर आते हैं कि हम उनसे कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम उनसे कॉपरेशन नहीं करेंगे, हम उनसे कोई भी तालमेल नहीं रखेंगे, हम अलग रहेंगे, हम उनके खिलाफ रहेंगे। ओके, 1920 में एक और सेशन होता है गाइस हमारा, नागपुर सेशन, इसको, इसके प्रेसिडेंट होते हैं सी विजय राघव राघवाचार्यार, ठीक है, सी विजय राघवाचार्यार इसके प्रेसिडेंट होते हैं, नागपुर सेशन होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की कमेटी, वर्किंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किसके बेस पर, लिंग्विस्टिक के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर यहाँ पे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो इंटरनेशनल कांग्रेस को यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसलिए 1920 का सेशन जो है नागपुर में हुआ था वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन होता है गाइस यहाँ पर 1922 में, इसके प्रेजिडेंट होते हैं सी आर दास, तो ये होता है कहाँ पर, गया में, याद रखिएगा गया, इसमें से कौन कौन गया आपको बताएंगे, ठीक है। सी आर दास जो और बाकी लीडर जो होते हैं वो इंटरनेशनल कांग्रेस से यहाँ पर बिछड़ जाते हैं, तो वो चले जाते हैं गया, सी आर दास गया, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, 1924 में सेशन होता है गाइस यहाँ पर बेलगांव में, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है,
ठीक है, एक ऐसा सेशन है जहां पर सिर्फ महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। एक एक ही सेशन में महात्मा गांधी जो होते हैं उनको बनाया जाता है यहाँ पे प्रेसिडेंट। सेशन कौन सा होता है गाइस, आपको रखना है याद, 1924 वाला सेशन होता है। कहाँ पर होता है, बेलगांव में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेशन है जहां पे महात्मा गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओके, 1925 में सेशन होता है गाइस यहाँ पर, कानपुर में प्रेसिडेंट बनाई जाती है सरोजिनी नायडू। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बोलोगे सर कितने सेशन पढ़ा रहे हो, तंग आ गए गाइस, पढ़ने पड़ेंगे आपको, याद रखने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। 1925 का सेशन होता है गाइस हमारा कानपुर में। सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यहां पर बनाई गई थी। ठीक है, तो मैंने आपके आपसे लास्ट स्लाइड में कहा कि एनी बसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन ये भारत की नहीं थी। ठीक है, 1917 में इनको बनाया गया था। अब ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कानपुर वाला सेशन 1925 वाला, क्योंकि यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जो बनाई गई थी, इसलिए इस सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, 1927 सेशन होता है गाइस यहाँ पर, मद्रास में प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर एम ए अंसारी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो यहाँ पर इंडिया इंडिया के ट्रूप चाइना ईरान और मेसोपोटामिया में यूज हो रहे हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, रेजोल्यूशन निकाला जाता है, भाई उनको वहां पे हमने नहीं भेजना है। ओके, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है यहाँ पे, बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। तो 1921 में क्या होता है, यहाँ पर साइमन कमीशन आते हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जाता है कि साइमन गो बैक। यहाँ पे एक ऐसा नारा लगाया जाता है उस वक्त, साइमन गो बैक, साइमन जहां से आए हो ना वापस चले जाओ। ठीक है, एक रेजोल्यूशन यहां पर पास होता है पूर्ण स्वराज पे, याद रखना मद्रास सेशन में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, पास नहीं होता बल्कि रेजोल्यूशन पास अडॉप्ट किया जाता है। सेशन नेक्स्ट होता है गाइस हमारा 1928 का, कलकत्ता में होता है, प्रेसिडेंट बनते हैं इसके मोतीलाल नेहरू। तो जहां पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की बुनियाद डाली जाती है। ठीक है, दो स्लाइड्स बची हैं, देख लो इनको भी। 1929 में सेशन होता है गाइस लाहौर में, प्रेसिडेंट होते हैं इसके जवाहरलाल नेहरू। रेजोल्यूशन पास होता है यहाँ पे पूर्ण स्वराज का, याद रखेगा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च की जाती है। ठीक है, 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कब, 1929 का सेशन होता है, कहाँ पर सेशन होता है, सेशन होता है हमारा लाहौर में। लाहौर सेशन में कंप्लीट पूर्ण स्वराज यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ओके, 1931 में क्या होता है, कराची में सेशन होता है, प्रेजिडेंट इसके बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर रेजोल्यूशंस यहाँ पर लाए जाते हैं। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना की जाती है। ठीक है, और गांधी जो हैं नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी, और गांधी जी जो हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होती है, ठीक है, उसके लिए गांधी जी को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है कि वो यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे लंदन में जाके। ओके, सेशन नेक्स्ट होता है इसका बॉम्बे में, 1934 में सेशन होता है, प्रेसिडेंट इसके बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें क्या किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है। अब आप मुझे बोलेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की हमारी अगर हिस्ट्री की बात करें तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। ठीक है, 1936 में क्या होता है, लखनऊ में क्या होता है, सेशन होता है, प्रेसिडेंट इसको जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक, यहाँ पर सोशलिस्ट आइडिया जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू के, उनको यहाँ पर सामने लाया जाता है। 37 और 37 का याद रखेगा सेशन होता है, एक 36 का सेशन होता है लखनऊ में, 37 का होता है फैजपुर में, दोनों को प्रेसाइड करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 1937 सेशन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सेशन कहाँ पर होता है, फैजपुर में होता है, तो पहला ऐसा सेशन जो होता है वो जो गांव में होता है। ठीक है, इसलिए 1937 सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए आप ये सेशन आपको यहाँ पर शो किया गया है। ओके, सेशन हमारा होता है नेक्स्ट 1938 में, हरिपुरा में होता है, तो सुभाष चंद्र बोस इसको प्रेजाइड करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेटअप की जाती है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 1939 सेशन कहाँ पर होता है, त्रिपुरी में होता है, प्रेजेंट इसके होते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने दो सेशन यहाँ पे किए हैं, एक हमारा सेशन किया है, कौन सा याद रखेगा, 1934 एंड 1939, 5 साल के बाद राजेंद्र प्रसाद ने सेशन फिर से प्रेजाइड किया। अब यहां पर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को रीअलेक्ट किया गया एज ए प्रेजिडेंट, लेकिन उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया। ठीक है, जिसकी जगह पर यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेजिडेंट बनाया गया है इस सेशन का। सुभाष चंद्र बोस ने एक और यहां पर चीज तैयार की जिसे उन्होंने नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को यहाँ पर तैयार किया।
1940 में क्या होता है, सेशन होता है रामगढ़ में, प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट होते हैं इसके अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां पर लॉन्च की जाती है। ठीक, 1941 से 45 तक याद रखिए कोई भी सेशन यहां पर नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, इस पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई जाती है कि फिरंगी भारत छोड़ो, रॉयल इंडियन जो नेवी होती है RIN, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी होती है, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की यहां पर ट्रायल्स होती हैं। ओके, तो इस फेज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन होती है, जैसे कि यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है, विवल प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आते हैं। ठीक है, उस वक्त यहाँ पे क्या चल रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन चल रही होती है। ठीक है, और इस टाइम में याद रखेगा कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं होता है 1941-1945 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, 1946 में क्या होता है, सेशन होता है मेरठ में, प्रेसिडेंट बनते हैं इसके जेबी कृपलानी, लास्ट सेशन जो होता है इंडिपेंडेंस का। आप देखिए यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था, पढ़ाया था ना। ठीक है, पढ़ाया था। अब 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था, इससे आप इसको याद रखते हैं कि लास्ट सेशन भी कहां पर हुआ था, कांग्रेस का मेरठ में ही हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले। तो जेबी कृपलानी इस सेशन को क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। एक छोटा सा हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप उनका आंसर कीजिए। ठीक है, मैंने आपको कहा था, अभी हमने पढ़ाया कि जो अडॉप्शन कहां पर हुई थी पूर्ण स्वराज की, वो आपको बताना है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहां पर हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपको याद रखना है, लाहौर सेशन। ठीक है, 1929, जहां से क्या बताया गया था कि अब हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब मनाएंगे, 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब स्वराज जो टर्म है ये किसने यहां पर निकाली थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, हमने इसमें देखा कि 1883 में यहां पे एलन ऑक्टेवियन हूम ने एक आइडिया निकाला, जहां से उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी एक बॉडी बनाएंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो मीटिंग रखते हैं यहां पे। कहां पे सबसे पहले मीटिंग होती है, बॉम्बे में मीटिंग होती है। 72 डेलीगेट इस मीटिंग को हेड करते हैं। यहाँ पे हर एक प्रोविंस से यहाँ पर लोग आते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं, जिसके लिए कारण ये बनाई जाती है, वो क्या है, वो ये मानते हैं कि हमारे लिए सेफ्टी वॉल का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट सेशन में आपको बता दिया कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव देख लिए कि ये पूरे इंडिया में थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एंटी कॉलोनाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉलोनी सिस्टम है उसको खत्म कर देना है बिल्कुल। तो फर्स्ट सेशन के बारे में हमने जाना कि कहाँ पर हुआ, बम्बई में हुआ। सेकंड के बारे में जाना कलकत्ता में 1886 में हुआ, दादा बनारजू ने सेशन को प्रेजाइड किया। ठीक है, थर्ड सेशन कहाँ पर होता है, मद्रास में होता है 1887 में। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1888 में हुआ था। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाए गए थे। उसके बाद सेशन हमने आगे डिस्कस किए, जहां पे हमने बात की 1896 सेशन की, जो कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट जो थे रहमतुल्लाह सयानी थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर वंदे मातरम सॉन्ग जो है, हमारा भारत का नेशनल सॉन्ग जो है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहां पर गाया गया था, फर्स्ट टाइम गाया गया था। उसके बाद हमने बात की गाइज यहाँ पर नेक्स्ट सेशन की 1919 की, फिर 91 सेशन की बात की। सेशन 1901 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी फर्स्ट कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले थे। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट सेशन की जो बात की, जो इंपॉर्टेंट हमने हमें यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर सेशन 1911 है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जनगण मन को कांग्रेस सेशन में गाया गया था। ठीक है, कहाँ पर सेशन हुआ था, ये कलकत्ता में सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेशन थे जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइस, खत्म करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।